मैं हर कीमत पर अपने पोते और अपनी बहू को इस घर में रोकूंगा। कुलसुम, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। जी बताए। कि तुम्हें अब भी उमर के हिस्से का नेहा के नाम पे होने पर इतराज है? जी हाँ, आप जानते हैं कि आपके इस फैसले से मुझे इत्तेफाक नहीं है। उमर की पैदाइश के बाद भी अब जाहिर है कि बाप का हिस्सा बेटे को ही मिलेगा ना? जी जरूर, मैं उमर के बेटे को अपना हिस्सा भी देने को तैयार, लेकिन तो फिर तुम्हें इस फैसले पर इतराज क्यों है? महमूद की वजह से। महमूद नेहा को कभी भी हमारे साथ नहीं रहने देगा, और अगर नेहा यहां से जाएगी तो वो अपने बेटे को भी साथ लेकर जाएगी। तुमने कहा था कि तुम कभी भी उमर के बेटे को और नेहा को अपने घर से नहीं जाने दोगी, और मैंने भी तुमसे वादा किया था कि मैं हर कीमत पर अपने पोते और अपनी बहू को इस घर में रोकूंगा। जी मुझे याद है, और मुझे यकीन भी है कि जिस तरह आप अपना हर वादा पूरा करते हैं, ये वादा भी हर सूरत में पूरा करेंगे। तो उमर के हिस्से का नेहा के नाम करना असल में महमूद की लालच के आगे बदमानना है और अपने पोते और बहू को इस घर में रोकना है। आप अभी तक महमूद को अच्छी तरह समझ नहीं पाए। अगर महमूद की हमने ये बात मान ली तो वो फिर आगे एक और बात मनवाने लगेगा। मैं महमूद पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं। वैसे अजीब ही तुम्हारी मंतिक है, खुद ही सवाल घड़ती हो, खुद ही उसका जवाब दे देती हो, और अगले ही लम्हे एक और सवाल खड़ा कर देती। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। बाल दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। आप शायद भूल गए हो, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है, महमूद एक बार हमारा सारा बिजनेस बर्बाद कर चुका है, और अब भी वो कुछ ऐसा ही सोच रहा होगा। सामने को मुझे कहते हैं जी हीरा मानी, सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।